नमस्कार भाइयों बहनों, मैं मनीष भरत ईसरानी एक बार फिर से आपके सामने नया वीडियो लेके आने जा रहा हूँ। जी हाँ, नया वीडियो कुछ खास चीज़ें के बारे में, बजट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बजट। कल ही हमारे देश में नया बजट आया है जिसमें हेल्थ केयर के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको उसके बारे में कुछ बताने जाने वाला हूँ। हेल्थ केयर, जी हाँ, इस बार नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया गया है जिसमें हेल्थ की रिलेटेड सुविधाएं भारत सरकार एक नेशनल डिजिटलाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड करेंगे। एक ऐसा रजिस्ट्री बनाएंगे जिसमें हेल्थ केयर और हेल्थ प्रोवाइडर्स की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नेटवर्क बना के एक अम्ब्रेला के नीचे आएगा जिसमें कौन सी चीज़ें पर क्या असर पड़ेगा, जैसे नई बीमारियां जो आ रहे हैं, वायरस आ रहे हैं, ओमिक्रोन जैसे आ रहे हैं, और उनके अलावा जो और दूसरी भी कोई फ्यूचर में डिजीज़ है उन पे ज़्यादा फोकस करते हुए नए वैक्सीनेशंस का प्रोग्राम किए जाएंगे जो कि हमारे हेल्थ केयर के अंडर आते हैं। उसके अलावा आज़ादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव जिसे कहते हैं, तो अमृत कार्ड जो आने वाले 25 साल तक उस पर इफेक्ट करेगा, तो अमृत कार्ड महायोजना कार्ड जिसे कहा जाता है, जो काफ़ी सारी हॉस्पिटल्स में सरकार के द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके हम इलाज कर सकते हैं हमारा, जो कि एक नियम गाइडलाइंस के अनुसार दिया गया है। 5 लाख तक की जो लिमिट होती है फैमिली उस कार्ड की, जिसमें वो हम उसमें अपना डिजीज और क्रिटिकल हेल्थ का इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो कि 75,000 ग्रामीण सेंटर बनेंगे। जी हाँ, 75,000 ग्रामीण हेल्थ सेंटर बनेंगे। आप सोचिए इतने इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगे, उसमें उतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी डॉक्टर्स के द्वारा, असिस्टेंट्स के द्वारा, और जो इंसान का प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है उनका हेल्थ चेकअप वगैरह जो है उनको किया जाएगा। जैसे कि आप नॉर्मल एग्जांपल लेंगे, छोटा सा एग्जांपल के साथ आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आप बीमार होते हैं, कुछ भी खांसी बुकाम जुकाम कुछ भी होता है, और एक साधारण सी हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो हॉस्पिटल की फ़ीस कुछ 50-100 रुपये लगती है। उसके अलावा आपकी कुछ रिपोर्ट टेस्ट होंगे उसमें 200-300 आपके लग जाते हैं, और टेस्ट के बाद में जो आपको दवाइयाँ दी जाती है 200-300 की दवाइयाँ दी जाती है, जो लगभग 700-800 रुपये के आसपास आपका एक खर्चा नॉर्मली खांसी जुकाम बुखार में या डाउटफुल केस में हो जाता है। तो ये इंसान का जो हमारी आम जनता का पैसा बचने के लिए सरकार क्या कर रही है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर ओपन कर रही है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे गवर्नमेंट का काफ़ी ह्यूज एक्सपेंस होगा, वहाँ पे रखेगा स्टाफ्स, और हमारी जो आम जनता के लिए फैसिलिटीज़ है, मेडिकल फैसिलिटीज़, नॉर्मल दवाइयाँ, हेल्थ चेकअप वगैरह होगा, उसमें हमको बेनिफिट्स आम जनता को होगा। उसके अलावा हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जाँच केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे। 602 डिस्ट्रिक्ट ऐसे होंगे जिसमें क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स बनाएगी सरकार के द्वारा। न्यूट्रिशन के ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया जाएगा सरकार के द्वारा, और एक अच्छे जीवन के लिए, एक अच्छी हेल्थ के लिए सिर्फ दवाइयाँ नहीं लेनी पड़े, उसके लिए क्या जरूरी है, जल। हाँ जी, पानी, जल से रिलेटेड, जल जीवन के रिलेटेड काफ़ी प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा किए जाएंगे। उसके अलावा सांस लेने के लिए हमें स्वच्छ एयर, हाँ जी, स्वच्छ वायु चाहिए, उसके ऊपर सरकार काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स करने वाली है। और प्लस अभी जैसे जो वायरस फैल रहे हैं पैंडेमिक सिचुएशन में, उसमें 500 से ज़्यादा शहरों में सैनिटाइजेशन किया जाएगा अर्बन सिटीज़ में। इस तरीके के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बजट में सरकार ने इस बार 135% से ज़्यादा इजाफा किया गया है। जो पहले 94,000 था वो अभी 2.38 लाख करोड़ का खर्चा का बजट का किया गया है, जो आने वाले 6 साल में इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। प्राइमरी लेवल से सेकेंडरी लेवल तक, उच्च माध्यमिक तक हर एक चीज़ में सरकार ध्यान देगी। उसके अलावा मेंटल हेल्थ, डिजिटल मेंटल हेल्थ में के द्वारा भी लोगों को कुछ काउंसलर्स की हेल्प प्रोवाइड की जाएगी सरकार के द्वारा हेल्थ केयर सेक्टर्स में, जैसे कि डिप्रेशन आता है, एंग्जायटी होता है, ये सब चीज़ें डिजिटल हेल्थ के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जिसे कहते हैं, और कुछ सॉफ्टवेयर SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सेंटर के द्वारा, कंपनीज के द्वारा बनाए जाएंगे, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा भी नेशनली जो डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में सरकार आम जनता को देने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि कुछ मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया, थोड़ा बहुत बताया है, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई है और आपको समझ में आया होगा। बस
अपना इस वीडियो के लिए आज तक इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।